हाय देयर, होप यू आर डूइंग फाइन। आज हम करेंगे पीबी शेली की पोयम ओ टू द वेस्ट विंड की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। इस पोयम को ढंग से समझने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस पोयम से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स हम जान लें। सबसे पहले इस पोयम के नाम को देखते हैं, ओड टू द वेस्ट विंड। टाइटल में भी काफ़ी कुछ है समझने के लिए। ओड एक ऐसी पोयम होती है जिसको किसी इंसान को या किसी आइडिया को एड्रेस किया जाता है, मतलब किसी से वो बात हो रही है। कोई पर्टिकुलर से यहाँ पे वेस्ट विंड है, वेस्ट विंड से जो पोएट है वो बात करते हैं, उसे एड्रेस करते हैं। इसमें यू, दाओ जैसे वर्ड्स लगातार आते रहते हैं। वेस्ट विंड क्या है? वेस्ट विंड जो वेस्टर्न माइथोलॉजी है, यूरोपियन माइथोलॉजी है, उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर समझ लीजिए। और वेस्ट विंड जो यूजुअली उसका मतलब होता है, एक ऐसी विंड जो कि वेस्ट से आकर ईस्ट की ओर उड़े। यूरोपियन ट्रेडिशन में इसको बहुत ही शुभ माना जाता है। स्प्रिंग से पहले, जस्ट पहले आने वाली ये विंड है, तो इसे बहुत सारी नई नई चीज़ें लाने वाली विंड भी कहा जाता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें इसकी बाउंटी यानी इसकी झोली देखिए, इसमें कितने सारे फ्लावर्स हैं, नई नई चीज़ें हैं, वो वेस्ट विंड अपने साथ ला रही है। लेकिन इस पोएम में वेस्ट विंड के आइडिया को हल्का सा ट्विस्ट भी नहीं कहेंगे, लेकिन हल्का सा अलग तरीके से पेश किया है पोएट ने। वो उसे डेथ और डिके से और ऑटम यानी पतझड़ के सीज़न से एसोसिएट करते हैं, हालांकि अंत में लास्ट के जो पार्ट्स हैं इसके, उसमें वो उसको नई बिगनिंग से भी करते हैं। क्योंकि पहले जब डिस्ट्रक्शन होगा तभी तो नई बिगनिंग होगी। तो शैली के इस आइडिया को हमें एग्जैक्टली समझना होगा उनकी इस पोयम के थ्रू। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इस पोयम को समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पोयम को टर्ज़ा राइमा में लिखा गया है। टर्ज़ा राइमा एक तरीके का स्टैंजा होते हैं जो कि तीन तीन लाइन के होते हैं, और उनकी जो राइम स्कीम होती है वो आपस में जुड़ी हुई होती है। इस पोयम को जब थ्रू आउट आप पढ़ेंगे तो एक मॉडर्न एग्जाम्पल्स की मदद से आप इसे समझ सकते हैं। जब आप एक वेब सीरीज़ देखते हैं तो आपको एक एपिसोड जैसे ख़त्म होता है, तो वो इस तरीके से वो बनाया गया होता है वो एपिसोड, कि आप नेक्स्ट एपिसोड देखे बिना रह ही नहीं सकते। इसीलिए अक्सर आप देखते हैं कि वेब सीरीज़ आप एक दिन में या दो दिन में ख़त्म कर देते हैं। वैसे ही कुछ कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर है इस पोएम का। इसमें पहली टर्सेट, पहले तीन लाइन का स्टैंजा होता है, लेकिन उसकी लास्ट लाइन, भले ही वो स्टैंजा वहाँ पे ख़त्म हो गया होगा, लेकिन वो लास्ट लाइन अगले स्टैंजा से कनेक्ट हो रही होगी। तो अगर आप उस पहले स्टैंजा को पढ़ के ये सोचें कि कुछ आप समझ सकते हैं, तो नहीं, आपको अपने आप ऑटोमेटिकली सेकंड स्टैंजा पे आना पड़ेगा पहले स्टैंजा की बात समझने के लिए। तो ये कनेक्टेड जो स्टैंजाज हैं, इन्हें टर्ज़ा राइमा कहते हैं। और ये अपने आइडिया, जो ये आइडिया कन्वे कर रहे हैं, जो बात बता रहे हैं, उसमें तो कनेक्टेड है ही, साथ ही अपनी राइम स्कीम में भी कनेक्टेड है। इसकी राइम स्कीम मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, वो होती है ए बी ए, बी सी बी, सी डी सी एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन इसको जब हम पोएम पढ़ लेंगे कि वो कैसे वो राइम स्कीम आपस में कनेक्टेड है, इसलिए ये पोएम बहुत मज़ेदार भी हो जाती है और बहुत इमेजिनेटिव पोएम है। आपको ये दूसरी दुनिया में जो ट्रांसपोर्ट करती है ना पोइट्री, हम कहते हैं ये उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। स्ट्रक्चर फाइव पार्ट्स में डिवाइडेड है। फाइव पार्ट्स बिल्कुल सेम है स्ट्रक्चर में, जैसे कि शुरू में चार टर्सेट्स होंगी और उसके बाद दो लाइन्स होंगी और वो सेक्शन ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही पाँचों सेक्शन का स्ट्रक्चर सेम यही है। सो लेट्स बिगिन ओड टू द वेस्ट विंड बाय पी बी शेली, पार्ट या सेक्शन वन। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, थाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, थाउ फ्रॉम हूज अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डेड आर ड्रिवन लाइक घोस्ट्स फ्रॉम एन एन्चांटर फ्लीइंग। यहाँ पर पोएट वेस्ट विंड का आवाहन करते हुए कहते हैं कि ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, वाइल्ड यानी जिस पर कोई काबू ना हो। वाइल्ड वेस्ट विंड में कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? एलिट्रेशन, क्योंकि व व व का साउंड बार बार आ रहा है। द ब्रेथ ऑफ ऑटम स्पीइंग, ऑटम की ब्रेथ, ऑटम की जो एसेंस है, ऑटम जैसे सांस ले रही हो, जो पतझड़ का सीज़न है, वो सांस कैसे ले रहा है? जब वेस्ट विंड चलती है तो ऐसा लगता है पतझड़ का सीज़न सांस ले रहा है।
दाओ यानी यू फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डेड, तुम जिसकी अनसीन प्रेजेंस, हम विंड को देख तो नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं कि वो प्रेजेंट है. तो वेस्ट विंड, तुम्हारी अनसीन प्रेजेंस जो है, जो हम देख नहीं सकते, उससे क्या होता है, जो लीव्स डेड है, मरी हुई लीव्स यानी जो पत्ते झड़ते हैं पतझड़ में और लीव्स ज़मीन पर गिर जाती हैं, आपने देखा होगा रोड्स पर, फुटपाथ्स पर लीव्स ही लीव्स होती हैं पतझड़ के सीज़न में, तो वो डेड लीव्स हैं. आर ड्रिवन लाइक घोस्ट्स फ्रॉम एन एन्चांटर फ्लीइंग, कैसे वो ड्राइव हो जाती हैं घोस्ट की तरह, भूतों की तरह, जो तांत्रिक से जब भागते हैं वो भूत. तो वेस्ट विंड, जैसे कि देख रहा होगा आपने, जब विंड आती है तो पत्ते कैसे उड़े चले जाते हैं, कैसे उड़े चले जाते हैं, पोइट क्या उसे किससे कंपेयर कर रहे हैं, जैसे किसी तांत्रिक से, किसी भूत बाबा से घोस्ट उड़े चले जाते हैं, उसे भगाता है ना वो घोस्ट को, भूतों को, वैसे ही. तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लाइन्स थी. हम आगे बढ़ते हैं और हमें याद रखना होगा कि यहाँ पर ये फर्स्ट टर्सेट है, इसका कनेक्शन अगली टर्सेट से भी होगा, राइम वाइज भी और मीनिंग वाइज भी. नेक्स्ट टर्सेट, येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड, पेस्टिलेंस स्ट्रिकन मल्टीट्यूड्स, ओ दाउ हु चैरियटेस्ट टू देयर डार्क विंट्री बेड. अब यहाँ पर ये टर्सेट तो ख़त्म है, लेकिन इसका मीनिंग अगली टर्सेट में भी कंटिन्यूड है, तो मैं उसकी फर्स्ट लाइन और पढ़ देती हूँ. द विंगेड सीड्स वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो. अब इसका मतलब समझते हैं, सेकेंड टर्सेट का पहले मतलब समझते हैं. अभी तक हमने फर्स्ट टर्सेट में लीव्स के बारे में पढ़ा था, अब उन्हीं लीव्स का वर्णन सेकेंड टर्सेट में किया गया है, वर्णन यानी डिस्क्रिप्शन. येलो यानी पीली, ब्लैक यानी काली, पेल यानी हल्की पीली सी, और हेक्टिक रेड, हेक्टिक रेड मतलब बिल्कुल जो रेड कलर होता है ना गाढ़ा, वो वाइल्ड भी होता है, हेक्टिक का मतलब है वाइल्ड रेड, बिल्कुल पूरी तरीके से रेड. तो आपने देखा होगा कि कई लीव्स पीली पड़ जाती हैं सूखकर, सूखी हुई लीव्स की बात हो रही है ना, तो वो जो लीव्स हैं कई सारी सूखी पड़ जाती हैं, कई ब्लैक सी भी पड़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा दिन हो जाते हैं जिनको, पेल भी होती हैं, हल्की येल्लो सी भी होती हैं, और रेड भी हो जाती हैं कुछ लीव्स सूखकर. तो ये वो लीव्स के कलर्स हैं. और पेस्टिलेंस स्ट्रिकन मल्टीट्यूड्स, क्योंकि वो डेड हैं, मरी हुई लीव्स हैं, तो वो कैसी लग रही हैं, जैसे कि महामारी जब फैलती है ना, पेस्टिलेंस मतलब महामारी, महामारी जब बहुत सारे लोगों में फैलती है, तब कोई ऐसे पड़ा हुआ है, कोई वैसे पड़ा हुआ, ये तो पुराने ज़माने में जब इलाज नहीं होता था तब ऐसा बताया जाता है कि पूरे शहर में ऐसे ही लोग पड़े रहते थे और उनकी डेड बॉडीज़ भी बाहर लाकर रख दी जाती थी, वैसे ही वो लीव्स पड़ी हुई हैं. अब यहाँ पर लीव्स वाली जो बात है वो पूरी हो गई, अब ओ दाओ से एक नई बात शुरू है. तो ओ दाओ यानी यू, यू मतलब हमारी वेस्ट विंड, तो पोइट कह रहे हैं वेस्ट विंड से कि तुम क्या करती हो, चैरियटिस्ट टू देयर डार्क विंट्री बेड. चैरियट क्या होता है, रथ होता है, तो वेस्ट विंड को बिल्कुल पर्सोनिफाई कर दिया गया है, उसे एक इंसान की तरह दिखा रहे हैं कि जो अपने रथ पर बैठ कर जाती है डार्क विंट्री बेड में, यानी अर्थ के अंदर, जो कोल्ड जो होता है ना जब, तब अर्थ के अंदर वो जाती है. और देयर यहाँ पे क्या है, देयर कौन है, लीव्स है, नहीं, लीव्स का आइडिया भी ख़त्म हो चुका है. अगले अब टर्सेट में, यहाँ पर ये टर्सेट ख़त्म है, लेकिन जो देयर है ये हमको नेक्स्ट टर्सेट में पता चलेगा कि क्या है. द विंगेड सीड्स वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो, तो अपने चैरियट पर रखकर वो विंगेड सीड्स यानी सीड्स को ऐसे उड़ाते हुए ले जाती है और अर्थ के अंदर डाल देती है, और जहाँ पर वो सीड्स कैसे पड़ी रहती हैं, कोल्ड और लो यानी ठंड में और काफ़ी नीचे अर्थ के. ठीक है, अब हम इसी टर्सेट का आगे का पढ़ते हैं, ये हमारी थर्ड टर्सेट है. ओके, ईच लाइक अ कॉप्स विद इन इट्स ग्रेव अंटिल दाइन इज योर सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग शेल ब्लो. अब फोर्थ टर्सेट की फर्स्ट लाइन, हर क्लैरियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ एंड फिल. अ पोएट उन सीड्स यानी बीजों को किससे कंपेयर कर रहे हैं, कॉप्स से. कॉप्स क्या होता है, डेड बॉडी. जब डेड बॉडी आपने देखा होगा कि जब ग्रेव में जैसे पड़ी रहती है ना बिल्कुल शांत, ऑब्वियस सी बात है वो डेड बॉडी है तो शांति पड़ी रहती, वैसे ही जो सीड्स हैं वो अर्थ के अंदर बिल्कुल शांत पड़ी रहती हैं, उनमें कोई हलचल नहीं होती. कब तक, अंटिल तुम्हारी एज्योर सिस्टर, एज्योर मतलब ब्लू, ब्लू सिस्टर, तुम्हारी ब्लू बहन स्प्रिंग. वेस्ट विंड की बहन किसको कहा गया है यहाँ पे पोएट के द्वारा, स्प्रिंग को यानी वसंत को. शैल ब्लो, यहाँ पे शैल ब्लो मतलब बजाना,
किसी चीज किसी इंस्ट्रूमेंट को जब हम बजाते हैं ना, वो वाला ब्लो है ये, हर क्लैरियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ. क्लैरियन एक पतली सी ट्रम्पेट होती है, तो वो ड्रीमिंग अर्थ के ऊपर जब स्प्रिंग अपना क्लैरियन बजाती है, और वो अर्थ कैसी है, ड्रीमिंग है, यानी ड्रीमिंग यानी सोती हुई है, ड्रीमी ड्रीमी सी है, एक्टिव नहीं है. तो वैसे ही जो सीड्स थी जो अभी वेस्ट विंड ने अर्थ के अंदर जाके रखी थी, वो जाग जाती हैं. अब हम आगे पढ़ते हैं जागती कैसे हैं. एंड फिल ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स लाइक फ्लॉक्स टू फीड इन एयर विद लिविंग ह्यूज एंड ओडर्स प्लेन एंड हिल. इन लाइन्स का मतलब है कि जो स्प्रिंग है वो स्वीट बर्ड्स जो कलियाँ होती हैं उनको, सिर्फ चरवाहा फ्लॉक्स को अपने जो कैटल होती है अपने जानवर होता है उनको चराते हुए आगे हाँकते हुए ले जाता है, वैसे ही पूरे में स्प्रिंग जो बर्ड्स हैं उनको एयर में ऐसे ही यानी हवा में हाँकते हुए ले जाती है. और क्या फिल कर देती है वो, क्या किससे भर देती है, बिल्कुल रंग जो कि बिल्कुल ज़िंदा हो, ज़िंदगी से भर देती है वो, किसको, प्लेन को एंड हिल को. मतलब प्लेन यानी जो मैदान है उसको भी, और हिल्स यानी जो पहाड़ हैं टीले हैं उनको भी. अब इस सेक्शन की लास्ट लाइंस, और आप गौर करेंगे कि ये लास्ट लाइंस थ्री लाइंस नहीं है, टर्सेट नहीं है, टू लाइंस हैं. वाइल्ड स्पिरिट विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर हियर ओ हियर. पोएट अब सीधे वेस्ट विंड को एड्रेस करते हुए बोलते हैं, उससे बात करते हुए बोलते हैं कि वाइल्ड स्पिरिट, क्या बोलते हैं उसे, क्या उपाधि देते हैं, वाइल्ड स्पिरिट, इम्पॉर्टेंट है, जो कि हर जगह मूव कर रही है, हर जगह तुम हो, विंड तो हर जगह होती है. डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, तुम डिस्ट्रॉयर भी हो और प्रिजर्वर भी हो. सुनो ओ सुनो. डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर कैसे है कि आपने फर्स्ट लाइन, इस पोएम की जो फर्स्ट लाइन है उसमें ही वो क्या बोलते हैं उसे, पोएट क्या बोलते हैं, ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बींग, यानी पतझड़ जब सब कुछ झड़ रहा है उसकी तुम ब्रेथ हो. लेकिन साथ ही क्योंकि जब पतझड़ नहीं आएगा तो स्प्रिंग कैसे आएगी, तो वो वेस्ट विंड क्या है, डिस्ट्रॉयर भी है प्रिजर्वर भी. और ये आइडिया इस पूरी पोएम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. राइम स्कीम देख लेते हैं. अब देखिए जो फर्स्ट लाइन है इस पोएम की, उसमें लास्ट वर्ड है बींग. अब थर्ड लाइन देखिए, वो है फ्लीइंग, तो आप उसमें राइम हो गए. बीच वाली लाइन देखिए, वो है डेड. अब डेड को आप देखिए नेक्स्ट जो टर्सेट है उसकी फर्स्ट लाइन देखिए रेड, और लास्ट लाइन देखिए बेड. तो इसकी राइम स्कीम हो गई है ए बी ए बी सी बी. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल प्रूव हुई होगी, एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी हेल्प हुई होगी. अगर आपका एग्जाम है तो ऑल द बेस्ट, एंड लाइक करिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. Hi there, hope you are doing fine. आज हम करेंगे Ode to the West Wind by P.B. Shelley के second section की line by line explanation हिंदी में. इसके first section को भी मैंने एक video में cover किया है जो कि posted है channel पर, आप चाहें तो देख सकते हैं. उसमें rhyme scheme, structure भी discuss किया है. So, let's get into the video. आइए पढ़ते हैं Ode to the West Wind section 2 का पहला टर्सेट, यानी थ्री लाइन स्टैंजा. दाउ ऑन हू स्ट्रीम मिड द स्टीप स्काईज कमोशन, लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ्स डिकेइंग लीव्स आर शेड, शुक फ्रॉम द टैंगल्ड बाउज ऑफ हेवन एंड ओशियन. यहाँ पर पोएट वेस्ट विंड से कह रहा है कि तुम ऊपर, तुम्हारी एक स्ट्रीम सी है, एक लहर सी है वेस्ट विंड की, विंड की भी तो लहरें होती हैं ना, वो क्या करती हैं, स्काई जो कि बहुत स्टीप यानी ऊंचा है और कमोशन से भरा है, स्काई में बहुत ज़्यादा हबड़ तबड़ हड़बड़ी मची रहती है क्योंकि कई सारे एलिमेंट्स स्काई में होते हैं ना, वहाँ पर इतना कमोशन है, वहाँ पर तुम क्या करती हो, क्लाउड्स सेंड करती हो, छोड़ देती हो. कैसे, और वो कैसे छोड़ती हो, जैसे कि जो अर्थ की लीव्स होती है ना, यानी जो हमारे यहाँ पेड़ों की लीव्स होती हैं वो जब पतझड़ होता है तो गिरती हैं, वैसे ही क्लाउड्स वेस्ट विंड के द्वारा ऐसे गिराए जाते हैं, जैसे वो हेवन की और ओशन के ब्रांचेस, बाउज मतलब थर्ड लाइन में बाउज मतलब टैंगल्ड, बाउज मतलब ब्रांचेस जो कि बहुत घुमावदार होती हैं, आपस में उलझी हुई होती हैं, जो पेड़ों की डालियां होती हैं ना, वैसे ही हेवन यानी स्वर्ग और ओशन की डालियों से तुम क्लाउड्स को नीचे ऐसे गिरा देती हो. देखिए यहाँ पे ये इस तरह से लिखा गया है कि एक बहुत सिंपल आइडिया को
बहुत कॉम्प्लेक्स कहेंगे, सुंदर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इसी बात की ये पोएट्री है कि उन्होंने वो केवल इतना कह रहे हैं क्योंकि जब विंड चलती है, आपने देखा होगा, तो क्लाउड्स नीचे की साइड आने लग जाते हैं ना, बस उसी आइडिया को इन्होंने इस तरह से पेश किया है कि स्काई जहाँ पर इतना शोर शराबा है, इतना सब कुछ टर्मोइल मचा हुआ है, इतना ऊंचा, वहाँ वेस्ट विंड जाके धक्का लगा देती है क्लाउड्स में, नीचे सेंड कर देती है उनको, और कैसे लगते हैं वो, जैसे वो स्वर्ग की और ओशन की, सीज की डालियों से गिर रहे हों। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, खासकर सीज होते हैं, वाटर साइकिल की वजह से उनके आसपास क्लाउड्स जमा हो जाते हैं ना, और हेवेंस और सी का नाम इसीलिए लिया गया है। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा, एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग देयर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सर्फेस ऑफ दाइन एरी सर्ज लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड। पॉइंट यहाँ पर क्लाउड्स को ही आगे डिस्क्राइब कर रहे हैं। हमने पढ़ा था कि स्टैंजास का आइडिया आपस में कनेक्टेड होता है, तो यहाँ पर वो क्लाउड्स को क्या कहते हैं, एंजल्स ऑफ रेन। एंजल्स क्या होते हैं, एंजल्स समझ लीजिए परियां, रेन और लाइटनिंग। क्लाउड्स के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया है, एंजल्स ऑफ रेन यानी बारिश के, और लाइटनिंग जिसमें लाइटनिंग एंड थंडर होती है ना क्लाउड्स में, वो, और वो क्या है, स्प्रेड है, फैले हुए हैं ब्लू सरफेस पे। ब्लू सरफेस हमारा स्काई है, ऑब्वियस सी बात है, ऑफ दाइन एयरी सर्ज, और जो स्काई है क्योंकि उसमें वेस्ट विंड फैली हुई है इसलिए वो वेस्ट विंड का भी सरफेस हो गया, और एयरी सर्ज मतलब एयर एयर है, वेस्ट विंड मतलब एयर, सर्ज मतलब जो फोर्सफुली वेस्ट विंड इधर से उधर उड़ रही है। अगर आप इसको इमेजिन करेंगे तो बहुत सिंपल आइडिया है, लेकिन पोएट ने इसको कितना अलग तरीके से पेश किया है, और वो कैसा है ये सब, उन्होंने कंपैरिजन किया है यहाँ पे लास्ट लाइन में स्टैंजा की, लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड। ये किसी के ब्राइट हेयर, जैसे कि किस ऐसे होता है ना, हेयर जब लड़कियों के बालों में हवा आती है तो अचानक से हेयर उड़ते हैं ना, वैसे ही वो जो हैं क्लाउड्स वो ऐसे अपलिफ्ट हो के इधर से उधर जा रहे हैं। अब स्टैंजास फिर से कनेक्टेड है, और यहाँ पे अगले स्टैंजा में पता चलेगा कि वो सर किसका है जिसके बालों की बात हो रही है, वो सर किसका है। ऑफ सम फियर्स मे नॉट इवन फ्रॉम द डिम वर्ज ऑफ द होराइजन टू द जेनिथ्स हाइट द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म दाउ डर्ज। अब इस पे कंपैरिजन देखिए कितना ये इंटरवोवन है, सब कुछ आपस में ऐसे लॉक किया हुआ है इन्होंने। सबसे पहले उन्होंने क्लाउड को कंपेयर किया किससे, इसकी हेयर उड़ रहे हों, और वो हेयर किसके सर पे हैं, अब वो ये बता रहे हैं। पहली लाइन, ऑफ सम फियर्स मीनाट, मीनाट का मतलब है, ये एक ग्रीक माइथोलॉजी से एक वर्ड लिया हुआ है। ग्रीक माइथोलॉजी में गॉड होते हैं बैकिस, उनके फॉलोअर्स को मीनाट्स कहा जाता था, और वो फीमेल होती थी, और वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि बिल्कुल जो पागल होके नाचना बोलते हैं जिसको, वैसे नाचती थी। तो वो क्लाउड्स भी जैसे पागल होके कोई मीनाट नाच रही हो उसके बालों जैसे हैं। इंडिया में कहते हैं ना जब किसी पर माता आ जाती है तो वो कैसे नाचती है वो औरत या आदमी, तो समझ लीजिए ऐसी किसी नाचने वाली औरत के बाल इधर से उधर हो रहे हैं, वैसे ही क्लाउड्स आसमान में इधर से उधर हो रहे हैं। आई थिंक इससे क्लियर हो गया होगा। और वो क्लाउड्स कहाँ से कहाँ तक फैले हैं, इवन फ्रॉम द डिम वर्ज ऑफ द होराइजन टू द जेनिथ्स हाइट। डिम वर्ज मतलब, वर्ज मतलब लाइन, मार्जिन जो होता है ना किसी चीज़ की सीमा। होराइजन मतलब आपने देखा होगा आप किसी मैदान को देखते हैं तो वहाँ पर लगता है ना कि एक पॉइंट पर लगता है कि अर्थ और स्काई मीट कर रहे हैं, अगर एक लंबे मैदान को देखोगे तो वो वाली लाइन वो होराइजन हो गई। और जेनिथ्स हाइट यानी ऊपर जो स्काई सबसे ऊपर आप देख सकते हैं वहाँ तक वो क्लाउड्स फैले हुए हैं। और वो कैसे हैं, फिर से एक कंपैरिजन किया गया है क्लाउड्स का, लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म। लॉक्स हैं अप्रोचिंग स्टॉर्म के। लॉक्स क्या होता है, ताले वाला लॉक नहीं, बाल वाला लॉक। तो बाल है वो आने वाली स्टॉर्म के। जब बहुत भीषण तूफान आने वाला होता है तो उससे पहले बहुत सारे क्लाउड्स देखते हैं ना आप, वैसे ही बहुत सारे क्लाउड्स जमा हो चुके हैं और ऐसा लगता है कि मानो वो आने वाली स्टॉर्म के बाल हों। अब लास्ट लाइन में है स्टैंजा की, दाउ डर्ज। अब फिर से उन्होंने बात बीच में छोड़ दी ताकि हमको अगला एपिसोड यानी स्टैंजा देखना ही पड़े। नेक्स्ट स्टैंजा, ऑफ द डाइंग ईयर टू विच दिस क्लोजिंग नाइट विल बी द डोम ऑफ अ वास्ट सेपल्का वॉल्टेड विद ऑल दाय कॉन्ग्रीगेटेड माइट। अब शुरू करते हैं दाउ डर्ज से। दाउ डर्ज मतलब तुम्हारा एक उदास गाना। डर्ज होता है बेसिकली जो किसी की डेथ पर एक उदास गाना गाया जाता है वो। ऑफ द डाइंग ईयर
क्योंकि अब ईयर जा रहा है, साल जा रहा है वेस्ट विंड के साथ ही, तो उसके लिए एक उदास गाना गा रही हो तुम वेस्ट विंड, ठीक है, क्योंकि वो तो जा रहा है, ईयर मर रहा है, और वो ईयर मर रहा है तो ये जो क्लोजिंग नाइट है, ये जो रात हो रही है, धीरे धीरे गहरा रही है, वो क्या होगी? एक वास्ट सपल्कर, सपल्कर मतलब होता है एक टूम्ब समझ लीजिए, जहाँ पे किसी मरे इंसान को रखा जाता है, और उसका डोम है ये नाइट, डोम मतलब ऊपर का जो गुंबद होता है वो। अब इसीलिए आई वॉन्ट टू ऐड हियर, कहा जाता है कि हमको पोइट्री पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये इमेजिनेशन जो है ये नॉर्मल नहीं है, ये जो प्रेरणा है ये नॉर्मल नहीं है, ये पोएटिक इन्वेंशन है, एक सिंपल सी बात को ऐसे कहना। वो कह रहे हैं एक ईयर मर रहा है, मरने का उन्होंने मेंशन किया, अब मरने से रिलेटेड किसी को दफनाया जाता है उसे सेपल्का कहते हैं, सेपल्का को लाए, फिर उसके ऊपर जो नाइट छा रही है यहाँ पर वो क्या है, उस सेपल्का का गुंबद है, उस बिल्डिंग का, सेपल्का एक बिल्डिंग होती है, एक गुंबद है, और लास्ट लाइन वॉल्टेड विद ऑल दाई कॉन्ग्रीगेटेड माइट। वाओ, एक बिल्डिंग को इमेजिन करिए, तो खासकर वेस्टर्न बिल्डिंग्स जो होती हैं, वेस्टर्न क्या हमारे यहाँ बिल्डिंग्स जो होती हैं पुराने टाइप की, उसमें बड़े बड़े जो जो उनके गेट्स होते हैं वैसे आर्च जैसे होते हैं ना, गोल गोल गुलाई में होते हैं, वो वॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। पिट कह रहे हैं कि जो ये सेपल्कर है, जो टूम्ब है, जिसमें कौन है, डाइंग ईयर मरता हुआ साल, वो किससे वॉल्टेड है, उसके आर्चवेज जो हैं, उसके आर्चवेज जो हैं वो तुम्हारी जो पूरी मिलाकर जो शक्ति है उससे बने हुए हैं। तो ये कुछ नहीं है, ऐसा कुछ असल में नहीं हो रहा, वो सिंपल पोएट ये देख रहे हैं कि रात हो रही है, साल जाता जा रहा है और विंड चल रही है, लेकिन उन्होंने उसे पूरा क्या उसको इमेज बना दी कि एक टूम्ब है, वहाँ पर आर्चवेज हैं, उसमें द्वार बने हुए हैं, और वो द्वार वेस्ट विंड के बनाए हुए हैं, यानी वेस्ट विंड जो है वो पूरी तरह छाई हुई है और साल मरता जा रहा है, जैसे वेस्ट विंड आती जा रही है साल मरता चला जा रहा है। यहाँ पे कॉन्ग्रीगेटेड जो वर्ड है, नॉर्मली मतलब तुम्हारी पूरी शक्ति जो मिली हुई है, माइट मतलब शक्ति मिलाकर, लेकिन कॉन्ग्रीगेटेड एक रिलीजियस वर्ड भी होता है, जो कि बहुत सारे लोग जब रिलीजियस सेरेमनी करने के लिए इकट्ठे होते हैं ना वो भी, तो उन्होंने देखिए उन्होंने कॉन्ग्रीगेटेड वर्ड बड़े अच्छे से चुनकर वहाँ पर रख दिया, क्योंकि वो ऐसी सेपल्कर इस सब की वॉल्ट्स की बात कर रहे थे जो कि एक चर्च वगैरह में होते हैं, ऐसी किसी बिल्डिंग में होते हैं, तो कॉन्ग्रीगेटेड वर्ड उन्होंने वहाँ पर रखा। इस सेक्शन की लास्ट टू लाइंस जो कि ऑब्वियसली कनेक्टेड हैं, ऑफ वेपर्स फ्रॉम हूज सॉलिड एटमोसफियर ब्लैक रेन एंड फायर एंड हेल विल बर्स्ट ओ हियर। यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि वो माइट जो है वो शक्ति किसकी है, वेपर्स की, क्योंकि विंड वेपर्स से बनी होती है, धुएं धुएं से बनी होती है, बिल्कुल दिखती भी नहीं है, लेकिन उसका एटमॉस्फेयर जो वो क्रिएट करती है वो तो बहुत सॉलिड होता है। तूफान आ रहा है एग्जैक्टली आपको दिख नहीं रहा कि कहाँ मतलब विंड कहाँ चल रही है, लेकिन आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो एटमॉस्फेयर तो बिल्कुल सॉलिड हो गया। ब्लैक रेन फायर ये सब बरसती है, ठीक है, थंडर होती है, लाइटनिंग, तो वो फायर हो गई। हेल यानी ओले गिरेंगे, फिर पोएट कहते हैं कॉलन लगा के ओ हियर, सुनो वेस्ट विंड सुनो। तो ये था ओड टू द वेस्ट विंड का सेक्शन 2। इसके आगे के सेक्शंस जो कि 3 सेक्शंस हैं और, एंड आपको कोई भी क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको कुछ रिकमेंडेशंस हो जो कि आपको लगता है मैं ऐड कर सकती हूँ कोई पॉइंट्स अपने वीडियो में, तो आप वो ऐड कर सकते हैं कॉमेंट्स में। एंड हाँ, कभी कभार वीडियो बनने के बाद मुझे लगता है कि कुछ और भी ऐड होना चाहिए था वीडियो में, कोई बात ध्यान आ जाती है, कुछ पढ़ लेते हैं, तो मैं पिंग्ड कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, तो आप एक बार वो चेक कर सकते हैं। टेक केयर, एंड अगर आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय। इमेजेस यूज्ड इन दिस वीडियो आर जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, नो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इज इंटेंडेड। ओड टू द वेस्ट विंड पार्ट 3 लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। हाय देयर, होप यू आर डूइंग फाइन। अभी तक हमने ओड टू द वेस्ट विंड के प्रीवियस 2 पार्ट्स कवर किए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट टर्सिट, दैट इज 3 लाइन स्टैंजा ऑफ द 3rd सेक्शन ऑफ ओड टू द वेस्ट विंड। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उससे हमें इस पोएम के बारे में कुछ समझ आया है।
इसके हर सेक्शन को, इसमें 5 सेक्शंस हैं, इसके हर सेक्शन को एक कंसेप्ट दिया गया है, पोएट ने एक आइडिया दिया है। जैसे कि सेकंड सेक्शन में रेन और क्लाउड्स का आइडिया था, उसको ही उन्होंने पूरा एक्सटेंड किया था। वैसे ही इस वाले सेक्शन में, थर्ड सेक्शन में, हमारा जो आइडिया है वो सी का है, वेस्ट विंड और सी का जो रिलेशन है उसके ऊपर पूरा हमारा थर्ड सेक्शन है। तो पढ़ते हैं इसकी पहली टर्सेट। Thou who didst waken from his summer dreams, the blue Mediterranean where he lay, lulled by the coil of his crystalline streams. Poet West Wind से कहते हैं कि तुमने क्या किया, समर ड्रीम्स से किसको उठा दिया, ब्लू Mediterranean, Mediterranean सी है ना इटली के पास, तो उसको तुमने उठा दिया है जहाँ पर वो रहता है। और अभी तक वो सोया हुआ था, किससे घिरा हुआ था वो, लल्ड बाय द कॉयल, उसे क्रिस्टलाइन स्ट्रीम्स, यानी जो बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर बोलते हैं ना हम, बिल्कुल साफ जो स्ट्रीम्स होती हैं समुद्र के अंदर, आपने देखा होगा कई सारे करंट्स बहते हैं, वेव्स होती हैं, तो उन सब ने घेर कर समुद्र को सुला रखा था। लेट्स रीड द सेकेंड स्टैंजा। बिसाइड अ प्यूमाइस आइल इन बायाइस बे एंड सॉ इन स्लीप ओल्ड पैलेसेस एंड टावर्स क्विवरिंग विद इन द वेव्स इंटेंसर डे। इन लाइन्स का मतलब समझते हैं। फर्स्ट लाइन में बिसाइड अ प्यूमाइस आइल, प्यूमाइस होता है एक वॉल्केनिक रॉक जिससे आइलैंड्स बनते हैं ना, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि आइलैंड्स जो होते हैं वो वॉल्केनिक इरप्शन के बाद बनते हैं, तो वैसे ही किसी आइलैंड की बात हो रही है। इन बायाइस बे, बायाए मतलब एक नेपल में एक जग के पास एक जगह है, एक बे है, और बेसिकली रोमन लोग जो थे ना वो उस टाइम हॉलीडे के लिए इस जगह पर जाते थे, तो इस जगह के पास तुम हो। एंड सॉ इन स्लीप ओल्ड पैलेसेस एंड टावर्स, अभी तो वेस्ट विंड ने उठा दिया, उससे पहले तो हमारा मेडिटेरेनियन सी सो रहा था, तो उसने क्या देखा था अपनी स्लीप में, ओल्ड पैलेसेस, पुराने महल और टावर्स यानी मीनारें देखी थी। अब लेकिन उसने कैसे देखी थी, जो कि उसकी वेव्स पर रिफ्लेक्शन पड़ता है ना, उनसे देखी थी। क्विवरिंग मतलब जब वेव्स पे किसी चीज़ का रिफ्लेक्शन पड़ता है, आपने देखा होगा पानी में, तब वो ऐसे हिलती हिलती सी लगती हैं, तो क्विवरिंग, कांपती हुई सी लगती हैं। और जब वेव, जब किसी इंटेंस डे पे, मतलब जब वेव ज़ोर ज़ोर से ऐसे हिल रही होंगी, तब तुमने उन टावर्स को, उन मीनारों को एक रिफ्लेक्शन में देखा था अपने में। रीड द नेक्स्ट स्टैंजा। ऑल ओवरग्रोन विद एज़्योर मॉस एंड फ्लावर्स सो स्वीट द सेंस फेंट्स पिक्चरिंग देम दाओ फॉर हुज पाथ द अटलांटिक्स लेवल पावर्स। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसमें हर स्टैंजा टर्सेट आपस में इंटरकनेक्टेड है, राइम वाइज भी और थीम वाइज भी। तो अभी जिन टावर्स की बात हुई लास्ट स्टैंजा में, उन्हीं टावर्स का डिस्क्रिप्शन इस स्टैंजा में कंटिन्यूड है। तो वो कह रहे हैं फर्स्ट लाइन में, ऑल ओवर ग्रोन विद एज़्योर मॉस एंड फ्लावर्स, तो वो जो टावर्स और पैलेसेस उसने देखे थे वो ओवर ग्रोन थे। जो बिल्डिंग्स बहुत दिन तक यूज़ में नहीं आती, टूट फूट जाती, तो उनके बीच में से बहुत सारे ग्रास निकलने लग जाती है, इनफैक्ट पीपल का पेड़ भी हमारे यहाँ निकलने लग जाता है। ऐसे ही जो बिल्डिंग्स हैं, टावर्स हैं, पैलेसेस हैं, उस पर एज़्योर मॉस है। अभी जो एज़्योर मॉस है, इसके कई मीनिंग्स हो सकते हैं। सबसे सिंपल मीनिंग ये है, मॉस मतलब काई जैसे जो प्लांट्स होते हैं ना, वो ब्लू कलर के उस पर आ गए हैं। दूसरा मतलब ये है कि वो सी प्लांट्स हैं, मतलब सी प्लांट्स यानी एज़्योर मतलब ब्लू होता है, तो सी से मतलब है एज़्योर का, वो उगाए हैं उस पर, जिसको मॉस से कंपेयर कर रहे हैं। और तीसरा मतलब ये भी हो सकता है, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन में दिख रहे हैं ना वो टावर्स वगैरह, इसलिए वो ब्लू ब्लू दिख रहे हैं वो प्लांट्स। लेकिन इसका सबसे सिंपल मीनिंग आप ये रखिएगा कि ब्लू कलर का मॉस वहाँ पर उगाया है, मॉस उगाया है और फ्लावर्स उगाए हैं, और वो फ्लावर्स कैसे हैं, सो स्वीट यानी बहुत सुंदर हैं, कि किसी का मन अगर उनको इमेजिन करे, पिक्चर करे, तो वो फेंट होने लग जाएगा, वो इतने सुंदर हैं। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। दाओ फॉर हुज पाथ द अटलांटिक्स लेवल पावर्स, बेलाइन आपको अधूरी लग रही होगी, लेकिन हम इसको इसीलिए अगले स्टैंजा को यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं ताकि हम कंटिन्यू कर पाएँ। यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि तुम, दाओ मतलब तुम, जिसके लिए जो अटलांटिक ओशन होता है ना, वो अपने जो स्मूथ सरफेस को ऊपर वेव्स बना देता है, लेवल पावर्स मतलब कि अपने लेवल को उठा देना, और क्लीव देमसेल्व्स इनटू कैजम्स, मतलब क्लीव मतलब दो भागों में बांट देना या भागों में बांट देना, तो समुद्र अपने आप के बीच में दरारें क्रिएट कर लेता है, रास्ते क्रिएट कर देता है वेस्ट विंड के लिए।
रियलिस्टिकली सोचे तो वेस्ट विंड जब उड़ती है तो अपने आप समुद्र में वेव्स होने लग जाती हैं, समुद्र इधर से उधर होने लग जाता है, तो उस चीज़ को ऐसे दिखाया गया है कि समुद्र रास्ता दे रहा है वेस्ट विंड को। आगे पढ़ते हैं, वाइल फार बिलो द सी ब्लूम्स एंड द ऊजी वुड्स विच वेयर द सैपलेस फॉलिएज ऑफ द ओशन नो। पोइट कहते हैं कि फार बिलो, सी के नीचे आपने देखा होगा बहुत सारा वेजिटेशन होता है, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, सी प्लांट्स, तो सी ब्लूम्स यानी सी वीड्स एंड द ऊजी वुड्स यानी बहुत ज़्यादा सी के नीचे जो मिट्टी होगी बहुत मडी होगी ना, सॉफ्ट सॉफ्ट होगी, उनमें वुड्स जो फॉरेस्ट होंगे सी के अपने जो जंगल होते हैं, जिनमें सैपलेस फॉलिएज ऑफ द ओशियन, सैपलेस मतलब बहुत ड्राई होना और फॉलिएज मतलब लीव्स, तो जिनमें कोई सैप नहीं होता, कोई भी मॉइस्चर नहीं होता, ऐसी लीव्स उन जंगलों में उन प्लांट्स में होती हैं। नो, नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं इसको समझने के लिए। Thy voice and suddenly grow grey with fear and tremble and despoil themselves. Oh, hear. अब आप देखिए imagination की, poet कह रहे हैं कि वो सबके सब जो plants हैं वो अचानक से तुम्हारी voice सुनते हैं, तुम्हारी किसकी, west wind की, और वो अचानक से fear से grey पड़ जाते हैं, सफ़ेद या फिर grey से पड़ जाते हैं, बूढ़े होने लग जाते हैं और कांपने, ट्रेम्बल यानी कांपने लग जाते हैं, एंड डिस्पॉयल, डिस्पॉयल स्पॉयल्स क्या होता है, जो भी चीज़ें होती हैं ना हमारे पास कीमती, तो उनके पास फ्लावर्स एट्सेट्रा जो जितने भी होते हैं ना, वो फ्लावर्स झड़ने लग जाते हैं। ओ हियर, और सुनो वेस्ट विंड, सुनो मीन्स कि वेस्ट विंड तो हर जगह ऑटम ला रहा है ना, हर जगह वो सीज़न चेंज कर रहा है, हर जगह के जो पत्ते हैं चाहे फिर वो सीके क्यों ना हो झड़ रहे हैं, वही पोएट ने डिस्क्राइब किया है। इसके आगे का सेक्शन हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, एंड होप आपको समझ में आया हो, आपको कुछ फीडबैक देना हो, कुछ मैं ऐड कर सकती हूँ तो आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं, साथ ही आप अपनी क्वेरीज या क्वेश्चंस भी वहाँ पर छोड़ सकते हैं, आई विल ट्राई इफ़ आई कैन हेल्प यू। ओके ओके, सो हियर इज़ अ चैलेंज, फन चैलेंज, इन इस सेक्शन में मेडिटेरेनियन आया था, मेडिटेरेनियन सी की बात हुई है, तो आप बिना देखे स्पेल कर सकते हैं मेडिटेरेनियन, कर सकते हैं तो कमेंट्स में कर सकते हैं, एंड अगर आपको हेल्पफुल प्रूव हुआ हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आपका एग्जाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। इमेजेस यूज्ड इन द वीडियो आर जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, नो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इज इंटेंडेड। हाय देयर, होप यू आर डूइंग फाइन एंड यू आर डूइंग वेल एट योर स्टडीज टू। टुडे वी विल बी डूइंग द फोर्थ सेक्शन ऑफ आर पोएम ओड टू द वेस्ट विंड। इसके प्रीवियस सेक्शंस भी मैंने अपने चैनल पर पोस्ट किए हैं, सो यू कैन वॉच दैट। सो लेट्स बिगिन। ओड टू द वेस्ट विंड पार्ट और सेक्शन 4, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। हमने इसके प्रीवियस सेक्शंस में देखा कि हर सेक्शन में एक कॉन्सेप्ट लिया गया है और उसी के बारे में बात की गई है। पिछले सेक्शन यानी थर्ड सेक्शन में मेडिटेरेनियन सी के बारे में बात थी, तो सेकंड सेक्शन में विंड, स्टॉर्म्स और क्लाउड्स के बारे में बात थी। सेक्शन फोर्थ में पोएट अपने आप को वेस्ट विंड से कनेक्ट करता है डायरेक्ट, और वेस्ट विंड से रिक्वेस्ट करता है कि उसे भी अपने साथ ले चले, और जो एनर्जी वेस्ट विंड के पास है पोएट को उसमें थोड़ा भागीदार बनाए। सो लेट्स रीड दीज ब्यूटिफुल लाइन्स विच आर प्रेजेंट इन द सेक्शन 4 of Ode to West Wind by P.B. Shelley. If I were a dead leaf thou mightest bear, if I were a swift cloud to fly with thee, a wave to pant beneath thy power and share. Poet यहाँ पर कहते हैं कि अगर वो एक dead leaf होते, सूखी हुई पत्ती होते, तो तुम्हारे साथ यानी West Wind के साथ वो उड़ते चले जाते, West Wind उनको उठाकर उड़ाकर ले जाती। फिर वो सेकंड लाइन में कहते हैं कि वो स्विफ्ट क्लाउड होते, एक क्लाउड होते जो तेज़ी से चलता होता, तब भी वो वेस्ट विंड के संग उड़ जाते। थर्ड लाइन में अ वेव टू पैंट बीनीथ दाय पावर, दैट मींस अगर वो एक समुद्र की या किसी वाटर बॉडी की वेव होते, लहर होते, कि तब भी वेस्ट विंड मैं तुम्हारी पावर के संग बहता चला जाता और तुम्हारी पावर और स्ट्रेंथ शेयर करता। टर्सेट जुड़ी हुई है एज वी नो, तो हम अगली टर्सेट पढ़ते हैं ताकि इसका मीनिंग और अच्छे से समझ में आए एंड शेयर के बाद से। एंड शेयर, लेट्स रीड द नेक्स्ट स्टैंजा। द इम्पल्स ऑफ दाई स्ट्रेंथ ओनली लेस फ्री देन दाउ ओ अनकंट्रोलेबल, इफ इवन आई वर एज इन माई बॉयहुड एंड कुड बी।
पोएट यहाँ पर जो शेयर करने की बात है वो क्या शेयर करेंगे, स्ट्रेंथ, जो वेस्ट विंड की पावर है, जो उसका बल है वो शेयर करेंगे वो। लेकिन किससे लेस फ्री रह जाएंगे तब भी वो? वेस्ट विंड से। भले ही वेस्ट विंड उनको उड़ा के ले जाए तो उनका उसकी स्ट्रेंथ तो वो शेयर कर लेंगे, लेकिन तब भी वेस्ट विंड उनसे ज़्यादा फ्री रहेगी, उनसे ज़्यादा आज़ाद रहेगी। ओ अनकंट्रोलेबल, वेस्ट विंड को वो क्या बोलते हैं, ओ अनकंट्रोलेबल, कि तुम्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इफ़ इवन आई वर एज इन माई बॉयहुड एंड कुड बी, क्योंकि चाइल्डहुड में, बॉयहुड यानी चाइल्डहुड, बचपन में मैं तुमसे ज़्यादा कनेक्टेड था, और बचपन में बच्चे बहुत फ्री होते हैं ना, तब भी वो वेस्ट विंड को मैच नहीं कर पाते, उसकी जो फ्रीडम है, आज़ादी है, स्ट्रेंथ है, और कहीं भी जाने की जो क्षमता है उसको वो मैच नहीं कर पाते अगर वो एक बच्चे भी होते तब भी। एंड कुड बी, फिर से हमें नेक्स्ट स्टैंजा समझना पड़ेगा इसको समझने के लिए। लेट्स रीड द नेक्स्ट स्टैंजा टू अंडरस्टैंड। द कॉमरेड ऑफ दाई वॉन्डरिंग्स ओवर हेवन एज देन वेन टू आउटस्ट्रिप दाई स्काई स्पीड स्कार सीम्ड अ विजन आई वुड नेवर हैव स्ट्रिवन। चलिए इन लाइन्स को हिंदी में समझते हैं। द कॉमरेड ऑफ दाई वॉन्डरिंग्स ओवर हेवन, अब पिछली लाइन्स में इन्होंने खुद को बच्चा कहा था जब वो बच्चे थे, तो वो कहते हैं तब मैं तुम्हारा दोस्त था, कॉमरेड मतलब दोस्त। और जो लास्ट स्टैंजा है, टर्सिट है, वो कुड बी से ख़त्म हुई है ना, तो कुड बी द कॉमरेड ऑफ दाई वॉन्डरिंग्स, मैं दोस्त हो सकता था तुम्हारा तब जब तुम हेवन के ऊपर यानी आसमान में उड़ती थी, यानी जब मैं छोटा था, बच्चा था, तब मैं इतना तेज़ था, तुम्हारा फ्रेंड था, कि एज देन वेन टू आउटस्ट्रिप द स्काई स्पीड स्कार सीम्ड अ विजन, तब तुमसे भी तेज़ उड़ना, आउटस्ट्रिप मीन्स किसी से आगे निकल जाना, दाय स्काई स्पीड, जो आसमान में तुम्हारी इतनी ज़्यादा जो स्पीड थी उसको पीछे छोड़ देना। स्कार सीम्ड अ विजन कोई बड़ी बात नहीं लगती थी मुझको, होता है ना हम छोटे पे हम क्या क्या सोचते हैं कि हम पायलट भी बन जाएंगे, हम टीचर भी बन जाएंगे, हम डॉक्टर भी बन जाएंगे, और हमें लगता था हाँ सब ठीक तो है, इसमें क्या मुश्किल की बात है। लेकिन एज वी ग्रो अप वी रियलाइज दैट लाइफ इज़ हार्डर देन इट सीम्स, सो एंड हमारी लिमिटेशंस हैं। तो पोइट भी यही कह रहे हैं कि जब वो बच्चे थे, फ्री माइंडेड थे, और एक स्पिरिट होती है बच्चों में, तब उन्हें नहीं लगता था कि वो वेस्ट विंड से मतलब कोई पीछे रह सकते हैं, बराबर की लगती थी वो। लेकिन अब पोइट के लिए वेस्ट विंड एक बहुत दूर की चीज़ हो चुकी है। आई वुड नेवर हैव स्ट्रिवन, मैं कभी भी कोशिश नहीं करता, किसकी? नेक्स्ट स्टैंजा में पढ़ते हैं। लेट्स रीड द नेक्स्ट स्टैंजा। एंड दस विद दी इन प्रेयर इन माई सोर नीड ओ लिफ्ट मी एज अ वेव अ लीफ अ क्लाउड आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड। तो पहले स्टैंजा से ये जुड़ा हुआ है, तो इसको ऐसे पढ़े, लास्ट स्टैंजा की लाइन, लास्ट लाइन, आई वुड नेवर हैव स्ट्रिवन एज दस विद दी इन प्रेयर इन माई सोर नीड आई वुड नेवर हैव स्ट्रिवन, मतलब मैंने कभी इतनी कोशिश नहीं की होती, किसकी? एंड दस विद दी इन प्रेयर इन माई सोर नीड, जो कि नेक्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन है, मैंने इतनी कोशिशें नहीं की होती, इतनी प्रेयर नहीं करी होती, अगर मैं बचपन की तरह, बच्चे की तरह तुम्हारे साथ कैचअप कर पाता, तुम्हारे जितना ही मैं तेज़ हो पाता, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन क्योंकि अब मैं ना उतना तेज़ हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ, तो मुझे वो प्रेयर्स करनी पड़ रही हैं, कोशिशें करनी पड़ रही हैं कि सोर नीड, जो मुझे इतनी ज़रूरत है इसकी, तुम्हारे साथ उड़ने की, फिर से वो ज़रूरत पे आ जाते हैं और बोलते हैं ओ लिफ्ट मी एज अ वेव अ लीफ अ क्लाउड आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड। तो पोइट बोल रहे हैं कि शुरू में उन्होंने बोला था ना, वेव, लीफ और क्लाउड का जिक्र था फर्स्ट स्टैंजा में, तो वहीं पे फिर से वो चीज़ें आ गई, वेव की तरह, लीफ की तरह, क्लाउड की तरह, यानी लहर की तरह, पत्ते की तरह, बादल की तरह, मुझे लिफ्ट करो, उठा दो, क्योंकि जो लाइफ है, ज़िंदगी है, उसमें जो मुश्किलें हैं, उसके जो थॉर्न्स हैं, कांटे हैं, कहते हैं ना कांटों से भरी ज़िंदगी, उस पर मैं गिरता रहता हूँ, तो उससे मुझे लिफ्ट कर दो, ठीक है, इन चीज़ों की तरह। और गिरता हूँ तो ब्लीडिंग होती है, मतलब बहुत पेनफुल है ये लाइफ, इधर टकराया उधर टकराया, तो ऐसा करो वेस्ट विंड, तुम मुझे उठा दो यहाँ से, इन सब चीज़ों से परे उठा ले चलो, क्योंकि तुम इतनी पावरफुल हो। इस पूरे सेक्शन का ये आइडिया है कि वो वेस्ट विंड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे बस यहाँ से उठा ले जाओ, यहाँ से
कहीं परे ले जाओ अपने साथ, ये जो दुनिया है ये इसने मुझे बहुत दुख दिए हैं तो मुझे अब इसके संग नहीं रहना। लास्ट टू लाइन्स और पढ़ लेते हैं इस सेक्शन की। अ हैवी वेट ऑफ आवर्स हैज़ चेन्ड एंड बाउड वन टू लाइक दी टेमलेस एंड स्विफ्ट एंड प्राउड। लास्ट टू लाइन्स में पोइट कह रहे हैं अ हैवी वेट ऑफ आवर्स, आवर्स मीन्स टाइम, घंटे यानी टाइम, उसका हैवी वेट यानी जो टाइम यहाँ पर मैंने स्पेंड किया है लाइफ में उसका हैवी वेट है मेरे ऊपर, जो पास्ट है उसका हैवी वेट है मेरे ऊपर। ये कहीं ना कहीं हम इससे रिलेट कर पाते होंगे कि पास्ट में हमारे साथ कोई बुरी घटना हो गई हो या फिर कोई इम्पॉर्टेंट घटना भी हुई हो तो उसका असर काफ़ी दिनों तक या फिर ज़िंदगी भर तक भी हमारे संग रहता है। तो वो कह रहे हैं कि उसका हैवी वेट मेरे ऊपर है, हैज़ चेन्ड एंड बाउड, उसने उसे हैवी वेट है तो चेन कर दिया है, पोइट को बांध दिया है चेन्स में और बाउड झुका दिया है उस वेट ने, वेट किसी पे रख दो तो वो झुक जाता है ना। वन टू लाइक दी टेमलेस एंड स्विफ्ट एंड प्राउड, और वन टू लाइक दी, वन टू यानी ये टी ओ ओ वाला टू यानी वो भी एक इंसान था जो कि तुम्हारे जैसा ही था वेस्ट विंड, कैसा था, टेमलेस, जिसको कोई रोक नहीं सकता था, कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता था, स्विफ्ट बहुत तेज, और प्राउड जो इंसान कभी तुम्हारी तरह प्राउड था अब उसे इस दुनिया की जो मुसीबतें हैं प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे जो टाइम स्पेंड किया है उससे वो झुक गया है, वो इंसान बहुत वेट हो गया है उसमें। इसीलिए इस पूरे सेक्शन में वो कहते हैं कि मुझे लिफ्ट करो क्योंकि अब मैं इन सब चीज़ों से बहुत हैवी हो चुका हूँ। तो बेसिकली पोइट इस पूरे सेक्शन में ये बोलते हैं वेस्ट विंड से कि इस दुनिया से उन्हें कोई अब ज़्यादा कनेक्शन नहीं रखना। वेस्ट विंड जो कि इतनी पावरफुल है, जो असल में एक फोर्स है नेचर की, वो उन्हें अपने साथ ले जाए। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। का लास्ट सेक्शन बचा है, दैट इज़ सेक्शन 5। आई वुड बी कवरिंग दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए एंड गुड बाय, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लिटरली डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू हैव एन एग्जाम ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर। इमेजेस इन दिस वीडियो आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, नो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इज इंटेंडेड। हाय देयर, होप यू आर डूइंग फाइन। टुडे वील बी डूइंग Ode to the West Wind, last section, that is section 5, line by line explanation in Hindi. इसके पहले के sections भी मैंने अपने channel पर upload किए हैं. If you want, you can watch that. Make me thy lyre, even as the forest is. What if my leaves are falling like its own? The tumult of thy mighty harmonies. इस stanza को समझते हैं हिंदी में. Poet फर्स्ट लाइन में वेस्ट विंड से कह रहा है मेक मी दाय लायर। लायर मीन्स एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको एंशियंट ग्रीस में पोएट्री के साथ, पोएट्री सुनाता था कोई, उसके साथ बजाया जाता था, तो वो लायर है हमारा। पोएट वेस्ट विंड से कह रहा है कि तुम मुझे अपना लायर बना लो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना लो एक, इवन एज द फॉरेस्ट इज, फॉरेस्ट की तरह। क्योंकि आपने देखा होगा जब विंड चलती है ज़ोर से तो फॉरेस्ट में पेड़ों के बीच में से जब विंड जाती है तो कितनी आवाज़ होती है ना, वो भी तो म्यूज़िक जैसा लगता है ना। तो ऐसा लगता है कि विंड अपना एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा रही हो फॉरेस्ट के थ्रू। तो वैसे ही पोइट कहते हैं मुझे भी अपना लायर, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बना लो। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, व्हाट इफ़ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन। पोइट कह रहे हैं कि क्या पता मेरी लीव्स भी जैसे फॉरेस्ट की लीव्स गिरती हैं जब विंड चलती है वैसे ही गिर रही हो। लाइक इट्स ओन मतलब जैसे फॉरेस्ट की, ओन इट्स ओन मतलब फॉरेस्ट की जैसे लीव्स गिरती हैं वैसे मेरी ही लीव्स गिर रही हो, क्या पता। ट्यूमल्ट ऑफ thy माइटी हार्मनीज। एज ऑलवेज ये लाइन आपको अधूरी लगेगी क्योंकि कनेक्टेड है आपस में स्टैंजास। तो पहले इस लाइन का मतलब समझते हैं थोड़ा। द ट्यूमल्ट ऑफ thy माइटी हार्मनीज, ट्यूमल्ट मतलब बहुत ज़्यादा शोर शराबा, बहुत आवाज़। Of thy mighty harmonies means तुम्हारी यानी वेस्ट विंड की mighty बहुत ताकतवर harmonies यानी music। Next stanza को इधर involve कर लेते हैं ताकि हमें ये line का पूरा connection समझ में आए, meaning समझ में आए। Let's read first। We'll take from both a deep autumnal tone, sweet though in sadness, be thou spirit fierce, my spirit be thou me impetuous one। जो पहले वाले stanza की last line है The tumult of thy mighty harmonies, फिर will take from both a deep autumnal tone, first line of this stanza।
कि जो शोर शराबा होगा तुम्हारी बहुत ताकतवर जो हारमोनीज है म्यूजिक है विल टेक फ्रॉम बोथ अ डीप ऑटोमनल टोन. विल टेक फ्रॉम बोथ मीन्स बोथ कौन यहाँ पे फॉरेस्ट और पोइट, तो दो लोग के लिए बोथ होता है ना यूज, तो वो दोनों से क्या लेगी अ डीप ऑटोमनल टोन, एक बहुत गहरी ऑटोमनल टोन, एक संगीत का जो होता है ना सुर होता है वो लेगी. मतलब जो वेस्ट विंड का जो म्यूजिक है वो फॉरेस्ट के और पोइट के इम्पैक्ट में आएगा, उनसे क्या लेगा उनकी जो ऑटोमनल टोन है जो पतझड़ वाली जो एक टोन होती है एक एटमॉस्फेयर होता है वो उन दोनों से लेगी, फॉरेस्ट से और पोइट से. स्वीट दो इन सैडनेस बी दाओ स्पिरिट फियर्स, वो जो टोन है वो कैसी है स्वीट दो इन सैडनेस, वो स्वीट है लेकिन वो सैड भी है, थोड़ी दुखी भी है, स्वीट बट सैड है. बी दाओ स्पिरिट फियर्स माई स्पिरिट बी दाओ मी इम्पेटुअस वन. तो पोएट वेस्टविंड को स्पिरिट फियर्स बोलते हैं, बहुत फियर्स जो स्पिरिट होती है एनर्जी होती है वो बोलते हैं, फियर्स मतलब बहुत ज़्यादा जो वायलेंट होती है. माई स्पिरिट बोलते हैं कि मेरी स्पिरिट, बी दाओ मी कि तुम मैं बन जाओ, मतलब ऐसा करो कि मुझ में और तुम में कोई अंतर ही ना रहे, मुझ में तुम समा जाओ और मैं बन जाओ. पोएट अंत में उसे इम्पेटुअस वन कहते हैं. इम्पेटुअस मीन्स एन एक्शन विच इज़ डन विदाउट मच थॉट, जिसे ज़्यादा सोच समझ कर ना किया गया हो ऐसा एक्शन, बेसिकली जो अनप्रडिक्टेबल सी बातें करे. तो वेस्टविंड भी तो ऐसी ही है कि जो उसका मन करता है वो करती है, तो उसे इम्पेटुअस कहा गया है. लेट्स रीड द नेक्स्ट स्टैंजा. ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स लाइक विदर्ड लीव्स टू क्विकन अ न्यू बर्थ एंड बाय द इनकांटेशन ऑफ दिस वर्स. पिट फिर से एक रिक्वेस्ट करते हैं वेस्टविंड से कि मेरे जो डेड थॉट्स हैं, मेरे जो थॉट्स हैं जिनमें जो कोई जान नहीं बची है, उन्हें ड्राइव करो, उन्हें ले चलो ओवर द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड पूरी दुनिया में ऊपर उन्हें उड़ाकर ले चलो. कैसे? जैसे कि तुम विदर्ड लीव्स को, यानी जो लीव्स सूखी हुई लीव्स होती है उनको उड़ा के ले जाती हो, वैसे ही उन्हें उड़ा के ले जाओ. और तुम विदर्ड लीव्स को क्यों ले जाती हो? ताकि नई लीव्स आ सकें. वैसे ही मेरे डेड थॉट्स को ले जाओ ताकि मेरे अंदर भी नए थॉट्स का आगमन हो सके, मेरे अंदर भी नए थॉट्स जन्म ले सकें, फिर से एक नई शुरुआत कर सकूं मैं. और आपने गौर किया होगा कि पोएट बहुत हताश और निराश भी दिखते हैं बीच बीच में इस पोएट में, तो कहीं ना कहीं वो एक इंस्पिरेशन ढूंढ रहे हैं, एक पोएटिक इंस्पिरेशन ढूंढ रहे हैं. इसीलिए वो वेस्टविंड से बार बार यही कह रहे हैं कि मुझे अपने संग ले चलो, ये दुनिया मुझे अच्छी नहीं लगती. तो वो इस पोएटिक इंस्पिरेशन के लिए उनके थॉट्स जो हैं वो बिल्कुल रिजुविनेट हो जाएँ, बिल्कुल उनमें नई जान आ जाए, इसलिए वो वेस्टविंड से फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि डेड लीव्स को जैसे तुम ले जाती हो वैसे मेरे डेड थॉट्स को ले जाओ ताकि एक न्यू बर्थ नया जन्म हो सके. एंड बाय द इनकांटेशन ऑफ दिस वर्स. इनकांटेशन क्या होता है? जो प्रेयर में हम जो वर्ड्स कहते हैं ना वो. तो पोएट कहते हैं कि इस वर्ड्स मतलब पोएम, तो इस पोएम को एक प्रेयर की तरह लो, उसे जप, एक जपने वाली चीज़ होती है ना, जपते हैं हम किसी का नाम, जपते हैं कोई प्रेयर, जपते हैं भगवान से जुड़ा होता है ना जपना, तो वही चीज़ है. तो वो कहते हैं इस पोएम को वैसे ही लो. और नेक्स्ट स्टैंजा में पढ़ते हैं इस आइडिया को. स्कैटर एज फ्रॉम एन अनएस्टिंग्विश्ड हर्थ एशेस एंड स्पार्क्स माय वर्ड्स अमंग मैनकाइंड बी थ्रू माय लिप्स टू अनअवेकेंड अर्थ. एक बात तो इस पोएम से प्रूव हो चुकी है एज वी आर कमिंग टू एन एंड दैट हमारे जो पोएट हैं पी बी शैले वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं और बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव हैं. एज आई एम रीडिंग दिस पोएम मुझे खुद बार बार लग रहा है कि इतना अच्छा कोई कैसे इमेजिन कर सकता है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी. सो लेट्स डू दीज लाइन्स इन हिंदी. स्कैटर एज फ्रॉम एन अनएस्टिंग्विश्ड हर्थ. स्कैटर, अब पिछले लाइन में क्या था, एंड बाय द इनकांटेशन ऑफ दिस वर्स. स्कैटर एज फ्रॉम एन अनएस्टिंग्विश्ड हर्थ. पोइट कह रहे हैं कि इस पोएम को, इस वर्स को एक इनकांटेशन प्रेयर की तरह लेते हुए स्कैटर फैला दो एज फ्रॉम एन अनएस्टिंग्विश्ड हर्थ. ये सोचकर कि मैं तुमसे प्रे कर रहा हूँ, फैला दो क्या, एक जैसे कि होता है ना जब हम चूल्हा जलाते हैं तो वो पूरी तरह बुझता नहीं है तो उसमें से कई सारी चीज़ें रह जाती हैं, तो उस चूल्हे में से एशेस एंड स्पार्क्स माई वर्ड्स अमंग मैनकाइंड. तो उस चूल्हे के जो अभी जल रहा है अभी भी उसमें से भी एशेज उड़ने लग जाती है ना, और आपने देखा होगा राख में से भी कई बार आप देखते हैं आग निकलती रहती है, तो वैसे ही राख की तरह मेरे वर्ड्स को फैला दो पूरे मैनकाइंड में, ह्यूमैनिटी में. एक पोएट क्या चाहता है कि उसे हर कोई सुने, एक आर्टिस्ट क्या चाहता है
कि उसका जो वर्क है वो पूरे जग हर जगह फैल जाए, हर कोई उसकी अप्रिसिएशन मिले उसे एक तरीके का। तो वही पोइट कह रहे हैं कि जो मैं जो मेरी पोएम है उसे प्रेयर की तरह लो, फन सेकंड कि उसे फैला दो, कैसे, जैसे कि एक बिन बुझा जो चूल्हा होता है उसमें से एशेज और स्पार्क्स हों, वैसे क्या फैला दो, वर्ड्स, मेरे वर्ड्स को मैनकाइंड में। आई होप इट्स क्लियर। बी थ्रू माई लिप्स टू अनअवेकेंड अर्थ। अब इस लाइन का मतलब है बी थ्रू माई लिप्स, मेरे लिप्स के द्वारा, मेरे होठों द्वारा, टू अनअवेकेंड अर्थ, जो अर्थ सो रही है मेरे लिप्स के द्वारा तुम क्या करो वो हमें अगले स्टैंजा में पता चलेगा। लास्ट टू लाइन्स, द ट्रम्पेट ऑफ अ प्रोफेसी, ओ विंड, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। इस लाइन थी लास्ट स्टैंजा की, बी थ्रू माई लिप्स टू अनअवेकेंड अर्थ द ट्रम्पेट ऑफ अ प्रोफेसी। दैट मीन्स कि मेरे लिप्स के थ्रू यानी मेरे मुंह से जो अनअवेकेंड अर्थ है उसके प्रति तुम क्या बन जाओ, एक ट्रम्पेट बन जाओ। एक ट्रम्पेट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोगों को जगाने के लिए, कुछ ऐलान करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑफ अ प्रोफेसी, प्रोफेसी मतलब जो होने वाला है, तो मेरे थ्रू तुम वो होने वाली प्रोफेसी का ट्रम्पेट बन जाओ। और वो प्रोफेसी क्या है, ओ विंड इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। तो कहते हैं ओ विंड, वो प्रोफेसी क्या है कि अगर विंटर आती है, और ये सबसे फेमस लाइन है इस पोएम की, और आई थिंक पी बी शैले का सबसे फेमस कोट है कि जो सर्दी आती है अगर, तो क्या स्प्रिंग पीछे रह सकती है। और ये बहुत इंस्पायरिंग भी है कि अगर आपकी लाइफ में दुख है दैट मीन्स बहुत जल्दी सुख भी आने वाला है, और ये जीवन की साइकिल है और हमें विंटर देखकर निराश नहीं होना चाहिए। तो पोइट बेसिकली अंत की लाइन में एक प्रोफेसी करने के लिए वेस्ट विंड से कह रहे हैं, और वो प्रोफेसी तुम करो लेकिन मेरे लिप्स के थ्रू, और मेरे लिप्स के थ्रू, मेरे मुँह के थ्रू ट्रम्पेट बन जाओ उस प्रोफेसी का, ऐलान करो कि अगर विंटर है तो स्प्रिंग भी पीछे नहीं होगी, पास ही कहीं होगी, अगर दुख है तो सुख भी यहीं कहीं होगा। तो यहाँ पर हमारी ये पोएम, ये ब्यूटिफुल लॉन्ग पोएम ओड टू द वेस्ट विंड ख़त्म होती है। एंड आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू इसे समझने में आसानी होगी और आप खुद भी इसको एक अलग तरीके से देख पा रहे होंगे। एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक ग्रेट पीस ऑफ द रोमांटिक पोइट्री भी कहा जा सकता है। रोमांटिक पोइट्री मीन्स अर्ली 19th सेंचुरी में वो पोइट्री जो कि नेचर से बहुत इंस्पायर्ड है। तो वेस्ट विंड नेचर का एक एलिमेंट है और आप देख सकते हैं पोइट उससे कितने इंस्पायर्ड है। साथ ही इसको डेथ वर्सेस लाइफ भी एक थीम है इसमें, और पोइटिक इंस्पिरेशन जो है वो भी एक थीम है ओड टू द वेस्ट विंड में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। You can like this video, share it with your friends and subscribe to my channel Hamlet. साथ ही अगर आपका exam है तो all the very best. Do not panic and take care.